स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू बुक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 6. दिस इज अबाउट माय डियर लैब. सो दिस स्टोरी इज अबाउट एन ओल्ड वुमन एंड हर इंटेलिजेंसी. एंड दिस स्टोरी प्रूव्स दैट वी शुड नॉट गिव अप आवर माइंड इन ट्रबल बट फेस इट विद द हेल्प ऑफ आवर माइंड. So in this story, the old woman did like this. Okay, now see here, tick the correct of this book. First question is here. Tick the correct. Tick the correct option. In this beta. Here are four options and you will choose one as a correct answer. Now first is the old woman was. बूढ़ी औरत कैसी थी? Poor and intelligent. क्या वो गरीब और बुद्धिमान थी? Second is hungry. क्या वो भूखी थी? Third is rich or stupid. क्या वो अमीर और बेवकूफ थी? Fourth is rich and intelligent. क्या वो अमीर और इंटेलिजेंट दोनों थी? यस, द राइट आंसर इज फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन? फोर्थ वन इज करेक्ट, रिच एंड इंटेलिजेंट. वो अमीर भी थी और इंटेलिजेंट भी थी. नाउ सेकंड, द थीफ हाइड. थीफ जो चोर था उसने अपने आप को कहां छुपाया? नियर द लैंप. क्या लैंप के पास? नियर द डोर. क्या दरवाजे के पास? बिहाइंड द कर्टन. क्या पर्दों के पीछे? नियर द स्पिनिंग व्हील. क्या चरखे के पास? द राइट आंसर इज बिहाइंड द कर्टन. चोर कहां छुपा बच्चों? बिहाइंड द कर्टन. वो पर्दों के पीछे, जैसे ही वो बूढ़ी औरत एंटर होती है तो वो कर्टेंस के पीछे छुप गया. नाउ थर्ड, वेयर द ओल्ड वुमन सॉ द थीफ, शी. जैसे ही उस बूढ़ी औरत को ये एहसास हुआ कि थीफ मेरे घर में है तो उसने क्या किया? स्टार्टेड शाउटिंग. वो चिल्लाना शुरू कर देती है. थॉट ऑफ एन आइडिया. क्या वो एक उपाय सोचती है? बिगिन टॉकिंग टू हिम. क्या वो उससे बातें करना शुरू कर देती है? रन आउट ऑफ द कॉटेज. क्या वो झोपड़ी से बाहर चली जाती है? सो द राइट आंसर इज थॉट ऑफ एन आइडिया. वो एक उपाय सोचती है क्योंकि वो बूढ़ी थी और वो उससे फाइट भी नहीं कर सकती थी और ना ही वो अचानक किसी को बुला सकती थी क्योंकि वो उस पर अटैक कर सकता था. तो उसने एक आइडिया सोचा. कौन सा आइडिया सोचा रखा बच्चों? स्टोरी सुनाने का. ओके, नाउ फोर्थ इज द ओल्ड वुमन सेव्ड हर मनी एंड लाइफ. बूढ़ी औरत ने अपना जीवन और अपना पैसा कैसे बचाया? थिंकिंग फास्ट. जल्दी से सोचकर. बीटिंग द थीफ. चोर को मारकर. शाउटिंग फॉर हेल्प. हेल्प के लिए चिल्लाकर. या गिविंग द थीफ फूड टू ईट. या उस चोर को खाना खिलाकर. द राइट आंसर इज थिंकिंग फास्ट. जल्दी से एक आइडिया सोचकर. बाय द यूजिंग ऑफ हर माइंड. थिंकिंग फास्ट. नाउ स्टूडेंट्स, सी क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. So, first question is, what did the old woman do after eating food? वो बूढ़ी औरत खाना खाने के बाद क्या करती थी डेली? So, question B of your book is question answer, and the answer of first question is, खाना खाने के बाद बूढ़ी औरत क्या करती थी? The right answer is, the old woman spun cotton
चरखे के ऊपर क्या करना शुरू कर देती थी बच्चों, अपना कॉटन स्पिन करना शुरू कर देती थी। नेक्स्ट इज व्हाट आइडिया केम टू द ओल्ड वुमेन्स माइंड। जैसे ही थीफ ने घर में एंटर किया तो ओल्ड वुमेन के माइंड में क्या आइडिया आया। सो द आंसर इज द ओल्ड वुमेन स्टार्टेड टेलिंग अ स्टोरी टू द लैम्प। मीन्स जो लैम्प एक नॉन लिविंग थिंग था, उससे वो बहाने बनाकर बातें करती है और वो उसको एक स्टोरी सुनाना शुरू कर देती है। नाउ थर्ड इज व्हाई डिड द थीफ थिंक दैट द लैम्प वाज स्पेशल। चोर ने ऐसा क्यों सोचा कि ये जो लैम्प है ये स्पेशल है। बिकॉज द आंसर इज हियर द थीफ थॉट इट बिकॉज चोर ने इसलिए ऐसा सोचा बिकॉज द ओल्ड वुमेन जो बूढ़ी औरत थी वॉज टॉकिंग टू द लैम्प। क्योंकि जो बूढ़ी औरत थी वो लैम्प से बातें कर रही थी, तो उसने चोर ने क्या सोचा कि ये लैम्प एक स्पेशल है, स्पेशल लैम्प है। नाउ आंसर नंबर 4 हाउ डिड द नेबर्स कम टू नो दैट द ओल्ड वुमेन वाज इन ट्रबल। पड़ोसियों को कैसे पता चला कि जो बूढ़ी औरत थी वो मुसीबत में है। जैसे ही वो स्टोरी शुरू करती है, स्टोरी में वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, जिससे नेबर्स को पता चल जाता है। सो आंसर हियर, सो सी आंसर हियर, द नेबर्स केम टू नो अबाउट हर ट्रबल बाय हियरिंग हर शाउटिंग। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर वो सारे जो नेबर्स हैं उनको ये पता चल जाता है कि वो बूढ़ी औरत हेल्प के लिए बुला रही है, और वो सभी उसी वक्त पहुंच जाते हैं और उस चोर को पकड़ लेते हैं। नाउ स्टूडेंट सी अनदर एक्सरसाइज ऑफ योर बुक। दिस इज अबाउट यूज ऑफ इज एंड आर। सो स्टूडेंट एज यू नो इज एंड आर यूज इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एंड फॉर द एक्शन दैट आर हैपनिंग नाउ, यानी जो एक्शन अभी हो रहे हैं उनके लिए यूज किए जाते हैं। आई एम टेलिंग रूल्स, आई एम राइटिंग हियर, सो सी केयरफुली। वी यूज एम विद आई, इज विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स लाइक ही शी इट एंड नेम ऑफ एनी पर्सन, एंड आर फॉर दे वी यू एंड प्लूरल नाउंस। ओके सो स्टूडेंट्स हियर सारा ब्लैंक इज अ टीचर। सो फर्स्ट इज सारा, सो वी यूज इज विद इट बिकॉज सारा इज द नेम ऑफ वन पर्सन ऑफ अ गर्ल, सो वी यूज इज हियर। नाउ सेकेंड इज मोनिका एंड राहुल, सो मोनिका एंड राहुल आर टू पर्सन, सो वी यूज व्हाट वी विल यूज आर। मोनिका एंड राहुल आर फ्रेंड्स एंड सो ऑन। आप इस तरह से
Now, next exercise is about, now students, second exercise is about preposition. Preposition. So, what are preposition? Prepositions, they tell us about the position of noun and pronoun. यानी preposition क्या होती है? जो position बताते हैं noun और pronouns की, कि कोई चीज या कोई human being कहाँ है, किस situation में बैठा या खड़ा हुआ है. Now see, with the help of this example, first is here, I'm writing first by showing pictures in your book, they are telling. So, the birds are blank the window. So, student, preposition words क्या होते हैं? ये होते हैं बेटा in, on, under, behind, between and so on. यानी ये noun और pronoun की position को show करते हैं. जैसे in मतलब कोई, अंदर, on means ऊपर, under means नीचे, behind means पीछे, between means दो चीजों के बीच में. तो ये positions को show करते हैं. तो pictures को देखकर हम यहाँ पता करेंगे birds window के कहाँ बैठे हुए, ऊपर बैठे हुए हैं. तो which word is suitable? So we will write on. ऊपर बैठे हुए. Second, the fruits are blank the bags. अब हम पिक्चर को देखेंगे, फ्रूट्स बैग्स के कहां है? अंदर है, तो हम लिखेंगे इन द बैग्स. ठीक है, जो अंदर हो. थर्ड इज द टेबल इज ब्लैंक द चेयर्स. यानी दो चेयर्स के बीच में है टेबल, तो क्या आएगा बच्चों? बिटवीन. ओके, नाउ फोर्थ इज द कैट इज द ट्री. कैट ट्री के नीचे है, तो नीचे के लिए कौन सा वर्ड सुटेबल है? अंडर द ट्री. नाउ फिफ्थ इज the boy is blank the box. So box के पीछे बैठा हुआ है बच्चा, तो हम लिखेंगे behind the box. The last one is the children are blank the log. यानी लकड़ी के गट्ठे के ऊपर बैठे हुए हैं बच्चे, तो ऊपर के लिए क्या लिखेंगे बेटा? ओन. लाइक दिस वी विल यूज दिस प्रपोजिशन वर्ड्स. नाउ सी नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ योर बुक, दिस इज अबाउट पंक्चुएशन मार्क्स. सो पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं बेटा? इस तरह के डॉट को हम बोलेंगे फुल स्टॉप, जो सेंटेंस की एंड में लगता है. सेकेंड इज दिस लाइक ऑफ दिस, this is called apostrophe. इसको क्या बोलते हैं बेटा? apostrophe. ये belongingness के लिए लगता है किसी चीज का. जैसे राम, this is राम, the cat of the राम, तो हम क्या बोलेंगे? राम's cat. तो belongingness के लिए ये वाला use होता है sign. this is question mark, जो कहाँ लगता है बेटा? क्वेश्चन सेंटेंस के लास्ट में लगता है. एंड दिस इज एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क. ये क्या होता है बेटा? ये हमारे फीलिंग्स को शो करता है, जिसमें हम दुखी हो या खुश हो, सोरो या हमारी हैप्पीनेस को. जैसे हुर्रा एंड लाइक दिस, अलास, दिस टाइप ऑफ वर्ड्सों से हम दुख या खुशी को एक्सप्लेन करते हैं. इस तरह के ये यूज होते हैं. तो हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे. यू कैन सी वन टू एग्जाम्पल. सो फर्स्ट इज हियर, दिस इज वेन आर योर
And here is also question word is using. So in last we will use question mark. Okay. Now second one is, oh no, I forgot my books. This is exclamatory sentence and this is expressing our feeling. So we will use exclamation mark. Oh no, अरे मैं अपनी बुक लाना भूल गया. तो लास्ट में हम यूज करेंगे फुल स्टॉप. नाउ सी थर्ड वन, हु इज योर क्लास टीचर. टीचर नाउ दिस क्वेश्चन इज दिस सेंटेंस इज आस्किंग अस क्वेश्चन हु एंड हियर इज यूजिंग आल्सो अ क्वेश्चन वर्ड. सो वी विल राइट, वी विल मार्क हियर क्वेश्चन मार्क बिकॉज दिस सेंटेंस इज आस्किंग क्वेश्चन टू अस. सो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज with the help of this video. So revise and fill all the exercise with the help of this video. Thank you. Have a nice day.